सो गाइस बहुत टेंशन है कि सर डेरिवेशन कैसे करें। डेरिवेशन के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए आता है, और ये जो आता है तो भाई ये बहुत ज्यादा टेंशन दे जाता है। तो इसको कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले अगर आपको डेरिवेशन करना है तो गिरी टूडेंट प्रदीप गिरी अपडेट को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि डेरिवेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, जो हैंड रिटन नोट्स आपको अच्छे समझ में आता है। तो भाई हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम पे आपको मिलेगा, जाके ज्वाइन कर लो, वहां देख लो, ऑलरेडी डाला हुआ है। प्लीज कमेंट मत करोगे सर कहाँ है कहाँ है कहाँ है, वही सब कुछ है। और इसके साथ ही मेरे इंस्टाग्राम को भी क्या करो, फॉलो कर लो। अब चलो मैं बताता हूं कि अगर आपको डेरिवेशन करना है तो उसके अंदर के जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं उनके उनका एक नोट्स बना लो। आप उत्तम में पूरा सर्च कर लो कितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपने वो फाइंड कर लिया, फिर हर डेरिवेशन की पॉइंट निकालो। की पॉइंट आप निकाल लोगे तो भाई आराम से क्या करोगे, डेरिवेशन सॉल्व करके आ जाओगे। मैं अपने टाइम कैसे करता था डेरिवेशन पता है, जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट का क्या रिक्वायरमेंट है, ओके, फाइनल रिजल्ट का क्या रिक्वायरमेंट हुआ, इसका क्या रिक्वायरमेंट, ये इसका रिक्वायरमेंट क्या है, इस तरह से मैं अपनी चीजों को याद रखता था। पर यहां एक चीज और आपको बताता हूं, जो मैंने बोला की पॉइंट कैसे याद रखना है डेरिवेशन के लिए, ओके, तो यहां हम लिखते हैं और बताता हूं मैं। जैसे एंगुलर मोमेंटम का जो हमारा डेरिवेशन है L1, उसके लिए की पॉइंट ये याद रखना है, उसके लिए की पॉइंट ये याद रखना है, L = P × R, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। देन लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, P = mv। देन इसके बाद लीनियर वेलोसिटी की हमें जरूरत है इस डेरिवेशन के लिए, R ओमेगा। तो ये तीनों की पॉइंट है, अगर ये तीनों की पॉइंट आपको याद है तो आपका एंगुलर मोमेंटम का जो डेरिवेशन है वो आराम से हो जाएगा। अब फर्स्ट पार्टिकल के लिए हम बात करेंगे, फर्स्ट पार्टिकल के लिए अब हमने ऐसे लिखा है पर हम अब इसको उल्टा सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्टिकल v1 हो जाएगा, R1 हो जाएगा और ओमेगा। आप सभी को पता है कि एक बॉडी पे रहने वाला पार्टिकल क्या होता है, एक बॉडी पे रहने वाला पार्टिकल क्या होता है, सबकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है, तो मैंने इसलिए इसको लिखा। अब दूसरा इसके ऊपर वाला जस्ट क्या फॉर्मूला है, P = mv। अब फर्स्ट पार्टिकल के लिए कर रहे थे 1 1 1, अब भाई देखो v1, देखो इसके ऊपर वाला आ गया ना, v1 की वैल्यू क्या है, R1 ओमेगा, तो हमें ये p1 मिल गया। p1 मिलने के बाद फिर इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट जो हमारा ऊपर वाला स्टेप है, L1 P1 फर्स्ट पार्टिकल के लिए × R1। अब देखो P1 क्या है हमारे पास, m1 R1 ओमेगा × R1। अब देखो m1 R1 R1 क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर ओमेगा, ये हो गया हमारा L1 हमारा फर्स्ट निकल गया ना। अब इसी तरह से सेकंड पार्टिकल के लिए हम कर सकते हैं, थर्ड पार्टिकल के लिए कर सकते हैं, nth पार्टिकल के लिए कर सकते हैं, और सब में से आप लास्ट में देखो कि ओमेगा कॉमन आ जाएगा और हमारा आंसर एकदम सिंपल तरीके से आ जाएगा। तो भाई मैं बताना क्या चाहता हूँ, डेरिवेशन में अगर आप डेरिवेशन लिख लिख के रट्टा मारते जा रहे हो एग्जाम में जाके भूल जाओगे, उसके अंदर का मेन की पॉइंट क्या है, की पॉइंट क्या है और उसको किस तरह से किया हुआ, की पॉइंट को यूज किस तरह से किया हुआ, हर जगह एक तरह से शॉर्टकट में बना के रखो, शॉर्टकट में बना के रखोगे तो हर चीजें आपको जरूर याद रहेगी। तो भाई यही एक डेरिवेशन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।